नमस्कार सलाम, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली के डीबीसी कर्मचारियों का धरना, बोकारो में जारी है अप्रेंटिस युवाओं का आंदोलन, लखीमपुर हिंसा में सुप्रीम कोर्ट का गवाहों की सुरक्षा का निर्देश और कोरोना अपडेट, एक दिन में 12,000 से ज्यादा नए मामले। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में बरसात के बाद से डेंगू मलेरिया के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी बीच दिल्ली के तीनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नॉर्थ, साउथ और ईस्ट में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ये कर्मचारी डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स यानी डीबीसी कहलाते हैं, जिनका काम मच्छरों की ब्रीडिंग की जांच करना होता है। यह कर्मचारी ठेके यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। दिल्ली में करीब 3500 डीबीसी हैं। मंगलवार को यह प्रदर्शन सीटू के नेतृत्व में एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन ने सिविक सेंटर के बाहर किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि उन्हें परमानेंट नौकरी पर रखा जाए। दिल्ली एमसीडी अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो वह बीजेपी और आम आदमी पार्टी को राज्य सरकार के खिलाफ 25 नवंबर को हड़ताल करेंगे। आपको बता दें कि सीटू ने 25 नवंबर को केंद्र की बीजेपी और राज्य की आप सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल करने का ऐलान किया है। सैकड़ों स्थानीय प्रशिक्षित अप्रेंटिस युवा पिछले कई दिनों से बोकारो स्टील सिटी सेल मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 अक्टूबर को विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरने के पांचवा दिन था। सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन किया गया। इन युवाओं का कहना है कि हमारे पूर्वजों की उपजाऊ जमीनों का बोकारो स्टील सिटी प्लांट निर्माण के लिए अधिग्रहण किया गया था। वादा था कि सभी विस्थापित परिवारों के युवाओं को यहां काम दिया जाएगा, लेकिन प्रबंधन आज अपने वायदे से मुकर रहा है। अपनी रैयती जमीनों पर आलीशान प्लांट खड़ी करने वाले विस्थापित भूखे मर रहे हैं और नियोजन के नाम पर दूसरे राज्य के लोगों को यहां काम दिया जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले विस्थापितों का नियोजन हो, उसके बाद किसी और को काम मिले, वरना आर पार की लड़ाई होगी। यही वजह है कि आज बोकारो स्टील लिमिटेड सेल में भी आउटसोर्सिंग के नाम पर दूसरी जगहों से लोगों को काम दिए जाने का सिलसिला लागू किया जा रहा है, तो स्थानीय विस्थापितों का आक्रोश सड़कों पर प्रदर्शित हो रहा है, जिसका शिकार उन्हीं की तरह बाहर से आए हुए बेरोजगार युवाओं को होना पड़ रहा है। फिलहाल बीएसएल सेल की विस्थापित बेरोजगारों का संघर्ष जारी है। अब लखीमपुर खीरी से जुड़ी खबर। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को घटना के गवाहों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यूपी सरकार से लखीमपुर हिंसा में पत्रकार रमन कश्यप और एक अन्य श्याम सुंदर की हत्या की जांच पर अलग से जवाब दाखिल करने को भी कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान यूपी सरकार से कई सवाल भी किए। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे ने स्टेटस रिपोर्ट सौंपते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 68 गवाहों में से 30 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और 23 लोगों ने घटना के चश्मदीद होने का दावा किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रैली में सैकड़ों किसान थे तो सिर्फ 23 चश्मदीद गवाह क्यों बने। सीजीआई रमन्ना ने आगे कहा, वहां जुटी भीड़ में बहुत से लोग सिर्फ सही से लोगों को जानकारी देने से कतराएंगे। मजबूत गवाहों की पहचान जरूरी है। क्या कोई गवाह घायल भी है? वीडियो का परीक्षण जल्दी करवाइए, नहीं तो हमें लैब को निर्देश देना होगा। इसमें गवाहों की सुरक्षा सबसे अधिक जरूरी है। और अब बात कोरोना की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज मंगलवार 26 अक्टूबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 12,428 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना से बीते दिन 356 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 15,951 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 3,879 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 3,42,02,202 हो गई है, जिनमें से अब तक 4,55,068 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 98.19% यानी 3,35,83,318 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 0.48% यानी 1,63,816 हो गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन को अब तक 1,02,94,119 डोज दी जा चुकी हैं, जिनमें से 64,75,733 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। तो डेली राउंडअप में आज इतना ही। हमारी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी हिंदी और अंग्रेजी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पेज को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।